ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इस समय शक्ति के मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है और आद्यशक्ति पराम्मा भगवती की कृपा से साधकों पर शक्ति की विशेष कृपा होती है, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। वहीं आयुर्वेद की दृष्टि से भी नवरात्र का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतुओं का संक्रमण काल होने के कारण ऋषियों ने इस काल को यमदष्टा काल की संज्ञा दी है, क्योंकि इस समय नाना प्रकार की भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे समय में व्रत उपवास करते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। इस बार नवरात्र का पर्व 18 मार्च से शुभारंभ होकर 25 मार्च तक रहेगा। इस बार एक नवरात्र कम है, अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ने के कारण नवमी तिथि का 6 हो गया है, इसलिए इस बार 8 ही नवरात्र होंगे और रविवार के दिन ही 25 मार्च को अपने व्रत और अनुष्ठान को संपूर्ण किया जाएगा। ये ऋतुओं का संक्रमण काल है। साल में 4 बार जो है नवरात्र आते हैं, एक चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़। ये चारों नवरात्र जो अति महत्वपूर्ण हैं और इन जो शक्ति के साधक हैं वो विशेष रूप से चारों नवरात्र को मनाते हैं, और जो 4 नहीं मना पाते हैं वो चैत्र मास के और आश्विन मास के नवरात्र पर व्रत रखकर शक्ति की उपासना करते हैं।